हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक गिरी और स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट मोटर व्लॉग में। और आज हम हैं चंदा मामा हीरो में, और आज आप लोगों के लिए लाए हैं हीरो स्प्लेंडर का एक्सटेक का रिव्यू, जो कि आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। स्प्लेंडर कई सालों से हमारे इंडियंस के दिलों पर राज करती है, तभी तो हीरो कंपनी स्प्लेंडर को हटा नहीं रही है, लगातार ही अपडेट करते रहती है कुछ ना कुछ। तो अब इसमें नया अपडेट आया और इसका नाम दिया गया हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक। तो आज हम इसी का रिव्यू करेंगे, तो शुरुआत करते हैं। चलिए, सबसे पहले फ्रंट से आप देख सकते हैं, ऊपर से डिज़ाइन आपको सेम ही लगेगा। जैसे ही आप वाइजर पे आइएगा तो यहाँ पे आपको चेंजेस दिख जाएंगे। यहाँ पे आपको DRL मिलता है, पहले वाले में DRL आपको नहीं मिलता था। बाकी लाइटें आपको सेम ही मिलती है, हैलोजन जो पहले भी आती थी और अभी भी आती है। इंडिकेटर भी नॉर्मल आपको हैलोजन ही मिलता है सेम। यहाँ पर आपको सस्पेंशन सेटअप मिलता है, टेलीस्कोपिक देख सकते हैं आप, जो पहले भी आता था रेगुलर वही है। और कलर ये ब्लैक कलर, इस पर डिकेल्स दे दिया गया है सिल्वर कलर का, जो कि इसको थोड़ा अच्छा सा स्पोर्टी लुक इसको दे रहा है। वहीं पे टायर आपको मिल जाता है, दोनों ट्यूबलेस टायर TVS की तरफ से। टायर प्रोफाइल की बात करें तो 100x80 18 इंच का आपको टायर मिलता है दोनों में। मैट ब्लैक फिनिश में आपको अलॉय व्हील बैटन मिल जाता है इसमें। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है, यहाँ पर लेग गार्ड आपको कंपनी फिटेड मिल जाता है क्रोम फिनिश में, जो कि काफ़ी अच्छे लगता है। यहाँ पर इधर साइड में आते हैं तो यहाँ पर आपको हीरो का बैजिंग 3D में देख सकते हैं आप। यहाँ पे आपको मिल जाता है, यहाँ पे स्प्लेंडर प्लस का बैजिंग, यहाँ पे एक्सटेक का स्टिकर आपको यहाँ पे मिल जाता है, पावर स्टार FI प्रोग्रामेड बाई FI आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि बेहतर माइलेज के लिए जाना जाता है FI। बाकी यहाँ पर आपको क्रोम पट्टी पूरा मिल जाता है, साइलेंसर भी देख सकते हैं आप। इंजन प्लेसमेंट आपको यहाँ पे मिल जाता है, इंजन पे भी हीरो का बैजिंग। इंजन आपको मिल जाता है 98 cc का, किक एंड सेल्फ दोनों आपको मिल जाते हैं इसमें स्टार्टिंग ऑप्शन। यहाँ पे इसका कपलर लगा हुआ है, जो कि BS6 नॉर्म्स को फुलफिल करने के लिए हर कंपनी के बाइकों में ये आपको दिख जाएगा। डुअल स्टैंड आपको मिल जाता है, सिंगल एंड डबल दोनों का ऑप्शन आपको मिल जाता है। 165 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है इसमें। 112 kg इसका पूरा वजन है, तो वेट भी इसका पहले से सही है, काफ़ी हल्का और फैमिलियर बाइकों में से एक ही आता है। ऐसा कोई भी पर्सन नहीं होगा जो अपनी ज़िंदगी में कभी भी इसको एक बार एक नहीं चलाया हो। और सबसे बड़ा इसका मेजर चेंज इसका मीटर है, देख सकते हैं आप, इसका मीटर पूरा चेंज कर दिया गया है, फुल्ली डिजिटल आपको मीटर मिलता है, देख सकते हैं स्पीडोमीटर टेकोमीटर ये सारी चीज़ आपको डिजिटल मिलता है। यहाँ पर हीरो वेलकम करता है, हीरो मोटो कप देख सकते हैं आप। यहाँ पर फ्यूल इंडिकेट करता है, यहाँ पर फ्यूल न्यूट्रल बटन, i3s का बैजिंग, इंडिकेटर, ये सारे चीज़ इसमें मिलता है। और करेंट टाइम एवरेज भी ये शो करता है मीटर में, जैसे ही आप कितना का स्पीड चल रहे हैं उसी के हिसाब से ये एवरेज यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे मोड सिलेक्शन मिल जाता है आपको सारे, Trip 1 Trip 2 यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, ये आपको मिल जाता है। बाकी नॉर्मल आपको की वही है पहले वाला, जो शुरू से मिलता है इस पर हीरो का लोगो, और सिंपल सा की जो पहले भी आता था। यहाँ पर आपको चार्जिंग पोर्ट भी आपको मिल जा रहा है, ये काफ़ी सही है। अब इसमें भी चार्जिंग पोर्ट कंपनी दे दिया है, USB पोर्ट देख सकते हैं आप। तो कहीं ना कहीं इसका अच्छा खासा ध्यान रखा गया है। पहले इसका बिल्ड क्वालिटी भी थोड़ा कम लगता था वाइजर का, अब ये भी पूरा हैवी कर दिया गया है, इसको भी पूरा नट फिटिंग देख सकते हैं आप। ये पूरे जगह से कवरिंग आपको मिलता है, देख सकते हैं पूरा वाइजर कवर्ड आपको मिलता है। बाकी हैंडल कंसोल पे यहाँ पर i3s का बटन, एक सेल्फ का बटन आपको मिलता है, और नॉर्मल टिपिकल स्प्लेंडर का मिरर आपको मिलता है। इसमें विजिबिलिटी काफ़ी सही आपको मिल जाता है। बाकी यहाँ पे लो बीम हाई बीम का बटन, पासिंग AC में आपको मिलता है, पासिंग बटन अलग से आपको नहीं मिलता इसमें। बाकी इंडिकेटर और सिंगल हॉर्न आपको मिलता है, काफ़ी प्यारा सा हॉर्न बजता है इसमें। 9.8 लीटर का आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है, यहाँ पे भी डिकेल्स आपको दिख जाएगा, तो फ्यूल टैंक भी काफ़ी सही है 10 लीटर के इसके हिसाब से, और एवरेज ये 50 से 55 के आसपास ये दे ही देती है, तो आप काफ़ी लंबा आराम से चल सकते हैं। बाकी सीट हाइट की बात कर ले तो 785 mm आपको सीट हाइट मिल जाता है इसमें। वहीं पर रियर में 2 डुअल सस्पेंशन का सेटअप आपको मिल जाता है, इस साइड भी और उधर साइड भी। बाकी हम टायर प्रोफाइल की बात कर लें तो TVS का टायर आपको रियर में ही मिलता है इसमें, देख सकते हैं आप।
18 इंच का टायर आपको रियर में ही मिलता है, सेम जो फ्रंट में है वही रियर में भी आपको सेम टायर की साइज मिलता है आपको। बाकी इसका मीटर कनेक्शन पहले मिलता था फ्रंट व्हील से, अब इसका कर देगा रियर व्हील से, क्योंकि फ्रंट व्हील में था तो बहुत ज़्यादा वो तार घिसता था और ख़राब होता था, जिससे यूजर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान होते थे। तो वो प्रॉब्लम अब हीरो कंपनी सॉल्व कर दी है, अब रियर व्हील कर दिया है मीटर का कनेक्शन, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा मैं अभी कि कैसे वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। बाकी सीट पे आपको रेड कलर का स्टिचिंग मिलेगा जो कहीं ना कहीं एक लुक थोड़ा सा इन्हेंस कर देता है, और सीट का कुशनिंग भी काफ़ी सही है, काफ़ी कंफर्टेबल सीट होता है स्प्लेंडर का। तो आप यहाँ पे आपको कैरियर मिलता है काफ़ी ज़बरदस्त, पूरा मेटल का मिलता है आपको क्रोम फिनिश में, जो कि काफ़ी मजबूत हैवी आपको मिल जाता है। टेल लैंप नॉर्मल आपको हाइलोजन में ही मिलता है, और इंडिकेटर नॉर्मल हाइलोजन, यहाँ पर रिफ्लेक्टर एक, नंबर प्लेट के लिए यहाँ पर जगह और अच्छा खासा स्पेस। बाकी इधर साइड आते हैं तो आपको सारी गार्ड मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा कवर करता है, और पूरा चैन सेटअप आपको कवर्ड मिलता है, तो कीचड़ धूल वगैरह से आपके चैन को प्रोटेक्ट करता है और काफ़ी लंबा आपका चैन चलता है इसे। तो ये रहा इसका पूरा बरन, और फोर गियर आपको मिलता है इसमें, चार गियर चारों पीछे ही मिलते हैं इसमें, और इंजन कटअप आपको स्विच यहाँ पर मिल जाता है, आपको देख सकते हैं। तो ये रहा इसका ओवरऑल व्यू। अब चलिए मैं इसको मीटर आपको दिखा देता हूँ कैसे ये वर्क करता है मीटर, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देख सकते हैं आप, रियर व्हील ड्राइव है तो यहीं से इसका नहीं। देख सकते हैं आप यहाँ से पूरा एक्सीलेटर लेने पर ये यहाँ पे स्पीडोमीटर दिखा रहा, क्योंकि ये रियर व्हील ड्राइव कर दिया गया पहले से, और इंजन का साउंड भी काफ़ी सही है, पहले से भी काफ़ी बोल्ड आपको साउंड ये देता है, आवाज़ भी सुन लीजिए इसका, काफ़ी बेसी साउंड आपको मिल जाता है इसमें। और ये रहा इसका लाइट सेटअप, देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपको डीआरएल यही मिलता है वाइट कलर का, बाकी पूरा लाइट आपको हाइलोजन में ही मिलता है इसका, इंडिकेटर से वगैरह हेडलाइट भी सेम ही है पहले जैसा ही। और इंजन पावर की हम बात कर लें तो 8 PS का पावर देता है ये, और 8.05 न्यूटन मीटर टॉर्क। अब आते हैं इसके फाइनल प्राइस पे, इसका प्राइस अभी हाजीपुर बिहार में कितना पड़ रहा, तो यहाँ पे इसका 87,000 ऑन रोड है, और ये प्राइस मैं चंदा मामा हीरो का बता रहा हूँ। शोरूम का सारा कॉन्टैक्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और ये अभी बाइक चंदा मामा पे ही अवेलेबल है, तो आप यहाँ आके देख सकते हैं, ले सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और एक और चीज़ बता देता हूँ, इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी ऑप्शन आपको मिलता है इसमें। तो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद।